नमस्कार, आप न्यूज़ 9 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, और ये मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र आता है, उसी थाना क्षेत्र के गांव में मौजूद हूँ। और हमारे बाजू में जिस आप प्रेमी जोड़े को देख रहे हैं, ये कभी लवर हुआ करते थे और आज ये पति पत्नी के रूप में मौजूद हैं। हम इनसे ढेर सारा बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब प्यार हुआ, कब शादी हुई और अब तक की इनकी जो लाइफ थी वो कैसे गुजरी और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने प्यार कर लिया। इसके पहले मैं आपको बता दें कि इनका नाम नगमा है, अभी नगमा से नेहा बन चुके हैं और बाजू में जो खड़े हैं उनका नाम पवन चौहान है। सबसे पहले तो आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्या कहेंगे आप? जी सर, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी सर, कल नहीं परसों आपने मंदिर में शादी किया है। आप पवन हैं हिंदू धर्म से और ये आपकी पत्नी नगमा है, कभी मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती थी लेकिन अब इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, नेहा चौहान बन चुकी हैं। जी, कब प्यार हुआ? वही तीन साल पहले। क्या उस वक्त आपकी उम्र रही होगी? मेरी उम्र रही होगी ये 22 चल रहा है ना, तो इसे वही 19 रही होगी। और 16 बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। अच्छा, ढेर सारी अभी तो वो नहीं, ठीक है पवन जी, जो भी था ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ, जो भी बातें था हम आपसे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जानना चाहेंगे कि नगमा की वो कौन सदा थी जिससे जिसपे आप खुद फिदा हुए थे? बात व्यवहार नेचर और मतलब कि जैसे एक लड़की को रहना चाहिए, मतलब कि मासूमियत सब कुछ था उसमें और बात भी मानती थी, सब यार प्यार हो गया। तो खबर मिली थी, खबर जहाँ तक हमें जानकारी है उसमें ये मालूम चला है कि इनकी पहले शादी कहीं और हो चुकी थी। तो शादी के बाद प्यार हुआ था? इनकी शादी हो चुकी थी, ठीक ना। अच्छा, इनकी शादी से पहले से प्यार था कि शादी के बाद प्यार हुआ था? शादी के बाद था, ये यहाँ पर आई थी और बार बार देख रही थी, देखने में अब हम दोनों में लाइक हो गया, पसंद हो गया, प्यार हो गया। तो इस शादी से किसी को आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं आपत्ति है। नगमा से बनी नेहा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कल आपने आपके जो भी वर्जन आ रहे थे मीडिया में हमने देखा था, बड़ी प्यारी बातें कर रही थी, तो ऐसा कौन सा जादू किया था जिसे पवन आपको लाइक करने लगे? जादू हमने कोई नहीं किया था, बस इनसे प्यार हो गया तो ये भी हमसे प्यार करने लगे हमारी बातों से। कोई तो वजह होगी ना कि पवन आपको प्यार करने लगे और आपको भी उनसे प्यार हो गया? हमें तो इनसे प्यार हो गया, मतलब ये हमें अच्छे लगते थे, इनकी हर एक बातें अच्छी लगती थी। सबसे पहली मुलाकात कहाँ हुई थी आप दोनों की? सबसे पहली मुलाकात हम लोग की यहीं पे हुई थी, बारिश में। बारिश का मौसम था? हाँ। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझसे बात करिए। चलिए, बढ़िया मुलाकात थी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? मुझे जहाँ तक जानकारी है कि बाराबंकी जनपद में आपकी शादी हुई थी, वो किस वर्ष में हुई थी? हमारी शादी हुई थी वही 2017 में। 2017 में? हाँ। आपसे दो बच्चे भी हैं? हाँ। इस वक्त वो कहाँ है? इस वक्त अपने पापा के पास है वो दोनों। क्या आप वहाँ जब उनको छोड़ करके आई तो आपके पतिदेव आपसे? हम छोड़ के नहीं आते, वो यहीं पे आए थे घूमने के लिए, उनके साथ हम भाग गए थे, तो फिर उनको पता चला तो वो आए थे यहाँ घूमने, फिर उसके बाद आए, हमें डिवोर्स लेके चले गए, अब बच्चे भी लेके चले गए। हमने पूछा कि बच्चे लोग, हम बच्चे लेना चाहते थे पर उन्होंने नहीं दिया, बोले कि बच्चे तुम मत लो, बच्चे लोगे तो परेशान हो जाओगी। अच्छा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर से जब आप घर पे थे अपने ससुराल में तो पवन जी से बातचीत होती थी? हाँ, होती थी। तो क्या उनको पता था? उनको सारी बातें पता थी और वो गुस्सा भी करते थे, मना भी करते थे, पर उनसे भी हमने बोल दिया था कि उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपने हाँ, कर लिया था? हाँ, हमने सब कुछ सोच लिया था कि मतलब सबको छोड़ देंगे पर उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जिस गांव में इस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ पे आपका कौन सा रिलेशन है? यहाँ पे मायका भी है इस टाइम, ससुराल भी है। अच्छा, मायका ससुराल दोनों है। हाँ। तो क्या आपके घर वाले ने कोई आपत्ति नहीं जताई इस मामले में? घर वाले मना करते थे पर घर वालों से भी हमने बोल दिया था कि हम सबको छोड़ देंगे पर उन्हें नहीं। आगे क्या प्लानिंग है? आगे फिर प्लानिंग यही है कि साथ में रहेंगे। अच्छा, पढ़ाई कितने तक आपने किया है? ज्यादा नहीं, बस 8 तक। 8वीं तक पढ़ी है। कौन किया? मेरा इंटर फाइनल है, इसमें बीए सेकंड ईयर है। अच्छा, करते भी कुछ है? हाँ, पार्ट टाइम में कुछ कहीं इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते थे और आप सामने देख ही रहे हैं, वो भी पार्ट टाइम में काम ही मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आगे क्या प्लानिंग है आप दोनों की? प्लानिंग है साथ में। लव मैरिज में अक्सर देखा जाता है कि कुछ दिनों बाद चलती नहीं है, काफ़ी ऐसे मामले आते हैं कि चलती नहीं है, ऐसे मामले में कैसे इसे मैनेज करेंगे? मैनेज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
और हम शादी के तो कुछ सोच समझ ही गए हैं। अभी फिलहाल कोई जॉब नहीं कर रहे हैं? नहीं, जॉब नहीं कर रहे हैं, काम तो मिल ही जाता है हमको, काम की कोई कमी नहीं है, काम कोई मिल जाता है, कोई काम कर लेते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसको लाइफ लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए मनी पावर की आवश्यकता होती है। फिलहाल जैसे कि आप बता रहे हैं कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो इसे कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? कर लेते हैं, बगल में एक जानी खाना बनाते हैं लगन वाला हाल, ठीक है, तो उसी में काम कर लेते हैं, पर लगन का 1000 रुपये मिल जाता है, मेरा काम भी आता है, तो महीने में लगभग 20-25 काम हो जाता है, तो हो जाएगा आसानी से, खर्चा वर्चा चल जाएगा, काम हो जाता है पार्ट टाइम, और वो काम नहीं है तो दूसरा काम करने लगते हैं। आपके पतिदेव कमाते नहीं हैं? अब जैसे भी करें, फिलहाल जिस तरह से बता रहे हैं, अभी फिलहाल पैसे की प्रॉब्लम है, कैसे मैनेज करेंगे? लड़कियों पे ज्यादा खर्च हो जाए शादी के बाद, तो जैसे रहना रहेंगे वैसे रहेंगे। अच्छा, ये जैसे रखेंगे? हाँ, वैसे रहने के लिए। हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मतलब ये साथ में रहे हमारे। साथ में रहे? हाँ। हमारे साथ ये नगमा से बनी नेहा थी और ये पवन चौहान थे। हालांकि अलग अलग समुदाय से आते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी जो भी बातें हैं, एक जो खास करके उन लवरों के लिए है, उन प्रेमियों के लिए है, जो पैसे और जाति धर्म को लेकर के तमाम तरह के मुद्दे उठाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन एक इतिहास जो इनकी रचने की प्लानिंग है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे रहे चाहे ना, जैसा कि नगमा बता रही है, हम उसमें मैनेज कर लेंगे, आने वाला वक्त कैसा होगा फिर कभी इनसे हम की आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इनकी शादी को लेकर के, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और कैमरे के पीछे राकेश थे, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।